सतीश बेटा तुम अर्चू के साथ? जी बाबा, वो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे मानव और उसकी फैमिली की जमानत करवाने के लिए। इससे पहले कि हम वहां पहुंचे मालूम चला कि उनकी जमानत हो चुकी है। बेटा उनकी जमानत तो हो गई है ना, फिर अब तो क्यों परेशान है? वहिनी ने आज मानव के मन में जो मेरे लिए जगह थी वो भी मिटा दी। इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अर्चू, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? इस बार मंजू गलत नहीं है। आपको अपनी पत्नी सही लगती तो लगे, लेकिन मेरे लिए वहिनी गलत है और हमेशा रहेंगी। बोल सहन कर सविता, लवकरच बरं वाटेल तुला। नालायक अर्चना ने कौन सा बदला लिया पता नहीं, लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। भले ही सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए लेकिन हम सब तो एक दूसरे के साथ है ना। अभी जो होना था वो हुआ, अब उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं। अरे हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें शर्म कैसी? लेकिन बाबा, जो लोग जेल में रहकर आते हैं उनके दूसरों के सामने क्या इज्जत रह जाती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। जिंदगी भर जितनी जिल्लतें नहीं सही उतनी अभी ये दो दिन में सहनी पड़ी। आई, बाहर पानी आ गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तू पानी भरने आ जाएगी? नहीं, लोग तो नजर गड़ाए बैठे हैं हमारा दरवाजा कब खुलते और हम बाहर कब आते। इस सच्चाई से कब तक हम मुंह फेरते रहेंगे? कभी ना कभी तो इसका सामना करना ही पड़ेगा, तो फिर आज क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं चाहूंगी तू पानी भरने नीचे नहीं उतरेगी। बेटा दुनिया की रीत है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मेम साहब के आजकल हाथ भी चलने लगे। ए, लक्ष्मी, ए, आवाज देखो देखो देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी करती है। मैंने मेरी बहू को कभी उंगली तक नहीं लगाई है, झूठ मत बोल तू। उंगली तक नहीं लगाई तो पुलिस क्या पागल थी जो तुझे पकड़ कर ले गई? ये अब क्या कह रही है काकी? आपने देखा ना अर्चना को यहाँ रहते हुए? कभी भी उसको देख के लगा के इसमें बदसलूकी की जा रही? ये झूठ है, और इस झूठ को झूठ साबित करने के लिए हमें आप लोग की जरूरत। आप लोग ने ही मुंह फेर लिया तो हम खा जाएंगे काकी। इतने सालों का पेंशन, एक छोटी सी कंप्लेंट, किसको अहमियत देनी? अब ये आप लोग तय करते हैं। तू चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल, मैं बताता हूँ कहाँ। बता दे कहाँ जाना है। चल मैं। जीजू, जिस दिन से हम लोग की मुलाकात हुई तब से लेकर अब तक आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए, पर मैं चुपचाप जवाब देने की नाकामयाब कोशिश करता रहा। लेकिन आज मैं आप लोग से सवाल करूंगा और आप लोग जवाब देंगे। माना तुम तो? विनोद, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। जो गुनाह हमने किया ने, उस गुनाह की सजा तो तुम लोगों ने दे दी, कम से कम सफाई मांगने का हक तो हमें दे दो। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों किया? घंटों तक मेरी आई को तो पुलिस वाले मारते रहे, मेरी बहन को बेइज्जत करते रहे। ये वो जख्म है जो पुलिस वालों ने आई को दी है। मेरी आई का सिर्फ शरीर जख्मी नहीं हुआ बल्कि इनकी आत्मा भी जख्मी हुई है। अपने चोट का एहसास आप लोग को जरूर आज कराऊंगा मैं। अरे मनन, तू ये क्या? बस विनोद, बस।